हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आज हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास 1 से लेके 50 तक के नंबर्स के बीच में प्राइम नंबर्स पता करने के लिए बोला जाता है तो हम कैसे करेंगे। 1 से 50 तक के बीच के प्राइम नंबर्स पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ग्रिड बना लेंगे। इस तरह से इस ग्रिड में 1 से लेके 50 तक के सारे नंबर्स लिख लेंगे। समझ में आ गया। अब 1 से हमको स्टार्ट करना है। ये जो 1 है इसको हम छोड़ देंगे, इसका हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 1 एक यूनिक नंबर होता है। अब सबसे पहला नंबर आता है 2। इस 2 को हम सर्कल कर देंगे। सर्कल क्यों कर देंगे, उसका कारण है क्योंकि 2 सिर्फ 1 या नंबर इटसेल्फ यानी कि 2 के खुद के ही टेबल में आता है। तो ऐसे सभी नंबर्स को हमें सर्कल करना है जो नंबर्स 1 या नंबर इटसेल्फ के ही टेबल में आते हैं। तो हमने 2 पे सर्कल कर दिया। नेक्स्ट नंबर आया 3। 3 पर भी सर्कल करना है क्योंकि वो 1 और 3 के अलावा और किसी के टेबल में नहीं आता है। अब आगे के जैसे जैसे नंबर्स आते जाएंगे तो हर नंबर में हमको ये देखना है कि वो नंबर जिन नंबर्स पे हमने सर्कल करा है क्या उनके टेबल में तो नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल 4। 4 के बारे में हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या 4 2 या 3 या दोनों में से किसी भी के भी टेबल में तो नहीं आता है। अगर आता है तो उसे कट कर देना है। नेक्स्ट नंबर आया 5। 5 इन दोनों में से किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता, इसलिए हमें इसे सर्कल करना है। फिर नंबर आता है 6। 6 जिन नंबर्स पर हमने सर्कल किया है इन नंबर्स में से 2 और 3 दोनों के ही टेबल में आता है, इसलिए हमें इसे कट कर देना है। फिर नंबर आता है 7। 7 इन सर्कल करे हुए नंबर्स में से किसी के भी टेबल में नहीं आता, इसलिए हम उसको सर्कल कर देंगे। 8 2 के टेबल में आता है। 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए हमने उसे कट कर दिया। 10 2 और 5 दोनों के टेबल में आता है, इसलिए हमने उसे कट कर दिया। अब यहां पर जब मैं हम 9 के बारे में बात करेंगे तब एक बात और बच्चों को मैं याद दिलाना चाहती हूं कि बच्चों ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स दो अलग अलग चीजें होती हैं। बच्चे जनरली प्राइम नंबर्स में बहुत बार ये गलती करते हैं कि 9 को या फिर 21 को या फिर 27 को जल्दबाजी में प्राइम नंबर्स में टिक कर देते हैं कि ये प्राइम नंबर्स हैं, कह देते हैं, जबकि ये प्राइम नंबर्स नहीं है। ऑड नंबर एक अलग चीज है, प्राइम नंबर एक अलग चीज है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं इस टेबल के हिसाब से जो किसी के भी टेबल में नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि वो 3 के टेबल में आ रहा है, जबकि 9 एक ऑड नंबर है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि जितने भी ऑड नंबर होते हैं वो सभी प्राइम हों, ये गलत है। अब आगे आए हम 11। 11 किसी इनमें से जिन पे हमने सर्कल करा है किसी के भी टेबल में नहीं आता, इसलिए उसे सर्कल कर दिया। 12 2 3 के टेबल में आता है। 13 किसी के भी टेबल में नहीं आता जिन पर हमने सर्कल किया। 14 2 के टेबल में आ रहा है। 15 3 और 5 दोनों के टेबल में आ रहा है। 16 2 के टेबल में आ रहा है। 17 किसी के टेबल में नहीं आ रहा। 18 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है। 19 किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। 20 2 में आ रहा है और 5 में भी आ रहा है। इस तरह से बच्चों हम लोग पूरा 1 से लेके 50 तक नंबर्स लिखेंगे और 2 से स्टार्ट करके सर्कल करेंगे। और आगे आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि जिन नंबर्स पे आप सर्कल करते जा रहे हैं आगे वाले नंबर्स क्या सर्कल करे हुए नंबर के टेबल में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उनको क्रॉस कर देना है और अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको सर्कल कर देना है। इस तरह से मैंने 1 से लेके 50 तक की टेबल यहां बनाई है। आप देख सकते हैं 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47 1 से 50 तक के बीच के प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो 1 से लेके 100 तक के लिए भी टेबल बना सकते हैं और इसी तरीके से उनमें नंबर्स कट करके और सर्कल करके पता कर सकते हैं के कौन से प्राइम नंबर्स हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने ये पता करना सीखा कि प्राइम नंबर्स कैसे जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्राइम नंबर्स के और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। टिल देन बाय।